A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन डिफेंस प्रोक्यूमेंट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमने ली है या हमने प्रोक्यूर करने की कोशिश की है और ये टॉपिक आपके काम आएगा आपके पर्सनल इंटरव्यू में स्पेशली लेक्चर में एज अ पॉइंट आप कहीं लगा सकते हैं और जीडी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और ये आपके तीनों फोर्स मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में ही काम आएगा। अब देखिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है क्या। देखिए जो ये क्वेश्चंस होते हैं जो इंडियन डिफेंस सर्विस में जो कि लेटेस्ट प्रोक्यूमेंट हुए हैं उनसे अगर पूछे जाते हैं तो वो इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको वो कंफ्यूज कर सकें या वो आपको डरा सकें। मतलब जैसे अगर मान लो सिंपल सा सवाल का जवाब नहीं दे पाए जैसे कि पिनाका मिसाइल अभी टेस्ट फायर्ड हुई या कौन सी एयर डिफेंस मिसाइल थी टेस्ट फायर्ड हुई आपको नहीं पता वो पिनाका मिसाइल थी ठीक है तो कहीं ना कहीं आप एक नर्वसनेस आ जाएंगे आप घबराएंगे अंदर से कि यार मुझे बेसिक सवाल तक नहीं आया और कहीं ना कहीं आप आगे वाले सवालों में गलती करेंगे और कहीं ना कहीं वहां पर आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो होगा और आपका वो पर्सनल इंटरव्यू खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपका काम है कि आपका दायित्व बनता है कि आपको ये सारी चीजें पता हो। बट फिर भी मैं कहता हूं अगर मान लो आप किसी वजह से भूल जाओ याद करने के बावजूद भी तो वहां पर आप सिंपल ये जवाब दें कि सर आई डू नॉट नो द आंसर राइट नाउ बट मैं आपको पता करके बता दूंगा कॉन्फ्रेंस में। दैट्स इट, दिस इज द राइट एटीट्यूड ओवर हियर कि भाई गलत नहीं बताऊंगा बट मैं सही बताऊंगा पता करके। सर अभी नहीं पता मुझे सारी चीजों की नॉलेज नहीं हो सकती जहां तक है जितनी नॉलेज मैं आपके सामने रख सकता हूं। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले इस साल इंपॉर्टेंट 2019 में सबसे पहले जो बात आई वो थी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रंजीत मिसाइल की। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो वो है SFDRM। अब देखिए ये तो मिसाइल मैंने सिर्फ शोकेस के लिए आपको दिखाई है पर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कोई भी मिसाइल होती है उसको फ्यूल तो चाहिए ना आगे कहीं लॉन्च करने के लिए पर कोई भी फ्यूल लिमिटेड होगा और कोई भी फ्यूल महंगा भी हो सकता है। ठीक है तो उसके लिए हमने रशिया के साथ मिलकर एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिसका नाम है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रंजीत मिसाइल सिस्टम। ठीक इसका रिसेंटली अभी टेस्ट हुआ जिसमें हमने इस बात को एहसास किया कि हम ए टू ए सिस्टम के लिए इसे डेवलप करेंगे और हम इसे ग्राउंड के लिए भी डेवलप करेंगे बट अभी मेजरली जो ये टेस्ट फायर हुआ है वो एयर टू एयर के लिए हुआ है। उसके बाद ये काम क्या करेगा देखिए कोई भी मिसाइल की कोई रेंज होती है जैसे 25, 30, 40 किलोमीटर ठीक है जो कि वो अपने फ्यूल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है बट अगर मान लो उसका फ्यूल ज्यादा टाइम तक के लिए उसके साथ है तो वो क्या करेगा वो ज्यादा समय तक अपने फ्यूल का इस्तेमाल करके लंबी दूरी तय करेगा। यही काम होता है SFDRM का सॉलिड फ्यूल डक्टेड रंजीत मिसाइल सिस्टम। ठीक ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इंडिजीनियस मिसाइल में लाइक अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल और इसके साथ एक और मिसाइल जिसका नाम है QRSAM जिसकी फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल। ये मिसाइल की रेंज है 25 से 30 किलोमीटर अभी आफ्टर यूजिंग SFDRM। अब ये जो मिसाइल है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल ये बनाई है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है BEL ने और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। इसके बाद चलते हैं अगली मिसाइल्स पे। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है जो कि जिसका नाम है न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल NGARM। देखिए नाम सुन सकता है रेडिएशन जैसे कोई एटॉमिक बॉम्ब का काम कर रहा हो या जैसे कुछ ऐसा कि उसमें रेडिएशन छोड़ रहा हो बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोई भी आर्म फोर्सेस होती है उनके पास एक टेक्नोलॉजी होती है रेडार जिससे वो पता लगाते हैं कि उसके इलाके में कोई एयरक्राफ्ट आ तो नहीं रहा और जैसे ही पता लगता है वो अपनी मिसाइल छोड़ के उस एयरक्राफ्ट को नीचे ले आते हैं। ठीक है अब ये मिसाइल क्या करती है ये मिसाइल उन रडार्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। अगर आप ऐसी मिसाइलें नहीं है तो आपको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाहिए। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट काम क्या होता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट काम ये होता है कि वो रडार से बच के उसकी टेरिटरी में घुस के हमला कर सकती है पर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट जाती है तो उसका एक अल्टरनेट है कि हम एंटी रेडिएशन मिसाइल इस्तेमाल करें और इंडिया ने बनाई है NGARM। इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो 100 किलोमीटर है और जिसे हमने टेस्टेड किया है वो सिक्वाय 30 के द्वारा और वो एयर टू ग्राउंड है मतलब आसमान से हम छोड़ेंगे जमीन पे फेंक के मारेंगे हम उसे। इसे कहते हैं एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक। ठीक अब इसके बाद आती है अगली चीज वो है इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर की है पिनाका मार्क टू रॉकेट सिस्टम। इंडिया ने मार्क वन का इस्तेमाल किया था पिनाका मार्क वन का कारगिल वॉर के टाइम जिसने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका दिखाई जिसमें 90 किलोमीटर रेंज नहीं थी उसकी अराउंड तब 40-50 थी
उसकी मदद से हमने पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी उनको बहुत सारा डैमेज किया और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो हार की तरफ बढ़ते चले गए। पर अब क्या हुआ है 2019 में, जस्ट आफ्टर पुलवामा अटैक हमने ये मिसाइल का टेस्ट फायर किया, जिसकी वजह से हमारी जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं एयर डिफेंस में, या मैं कहूं एयर अटैकिंग सिस्टम में ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी रेंज है 90 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, इंडिया और इसराइल ने मिलकर एक 770 मिलियन की डिफेंस डील साइन की है फॉर बैरक 8। बैरक 8 एक ऐसी मिसाइल है जो कि दूसरी मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक। इसकी रेंज है 80 किलोमीटर और ये मिली है इंडियन नेवी को। ये मिसाइल सिस्टम बनाई तो दोनों देशों ने मिलकर है, बट ये अगर आप देखें तो वहां की कंपनियों ने मिलकर बनाई है, ना कि उनकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी वजह से इंडिया को ये मिसाइल खरीदनी पड़ रही है, जबकि ये इंडिजिनसली डेवलप की गई है। इस मिसाइल का नाम याद रखें, ये बैरक 8 है और हमेशा न्यूज में बनी रहती है। उसके बाद हमें इस बात का पता होना चाहिए कि अग्नि, अब इसके बाद आते हैं हम अग्नि मिसाइल्स पे। देखिए अग्नि मिसाइल्स टोटल 6 टाइप की होती हैं। अच्छा, इस ये अग्नि मिसाइल डिस्कस करने का रीजन क्या है, अभी तक तो कोई न्यूज में भी नहीं थी। देखिए जब आप ऐसे सवालों के जवाब देते हैं तो वहां पर एक अगला क्वेश्चन बन के ये आता है, अच्छा आप इतनी मिसाइल्स के बारे में जानते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारी अग्नि मिसाइल्स के बारे में आपको क्या नॉलेज है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए टोटल अग्नि मिसाइल जो है हमारे इंडिया, जो मतलब DRDO बना रहा है, वो है 6, ठीक। उसमें से 3 ऑपरेशनल है और 3 नहीं है, ठीक। ये सारी की सारी क्या है, एक ब्लास्टिक मिसाइल है। ब्लास्टिक मिसाइल क्या होता है, ब्लास्टिक मिसाइल ये होता है कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है और इसके बाद जैसे आसमान में बीच में से ये कई हिस्सों में फट जाती हैं और एज अ रेन ड्रॉप ये उस जगह पर अटैक करती हैं, मतलब गिर के हमला करती हैं। अब इन मिसाइलों की खास बात क्या है, इन मिसाइलों की खास बात और उनको अंतर करने की पीछे रीजन होता है उनके किलोमीटर्स। देखिए अग्नि 1 के बारे में देखिए तो 1 से आप ये कह सकते हैं 1000 के नीचे हैं, 700 to 900 किलोमीटर। ये अग्नि 1 और अग्नि 4 एक एक्सेप्शन है। अगर आप बाकी मिसाइल देखें तो आप लॉजिक से भी उनके किलोमीटर याद कर सकते हैं। अब देखिए अग्नि 2 2000 किलोमीटर के ऊपर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर के ऊपर, अग्नि 5 5000 किलोमीटर के ऊपर, अग्नि 6 6000 किलोमीटर के ऊपर, पर अग्नि 1 अग्नि 4 उसी रेंज के अंदर आती है कि 1000 किलोमीटर के अंदर और अग्नि 4 अंडर 4000 किलोमीटर के अंदर। ये आपको दोनों याद रखनी है, दोनों एक्सेप्शन है। तो ये तरीका है इनको पूछने का। दूसरी बात क्या आती है, ये ब्लास्टिंग मिसाइल्स हैं। इसके बाद एक और बात आ जाती है, वो है ये देखिए IGMDP, इसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो अग्नि मिसाइल बनाई गई है इसी प्रोग्राम के अंदर बनाई गई है और ये पूछा भी जाता है कि वॉट इज IGMDP। अब देखिए इसके अंदर कई मिसाइलें बनाई गई जैसे पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग। जो पृथ्वी है वो एक सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिंग मिसाइल है अग्नि की ही तरह, पर ये शॉर्ट रेंज है अगर एज कंपेयर टू अग्नि। जो त्रिशूल है वो लोअर लेवल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और आकाश जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है और जो नाग है वो एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक। ये सारी की सारी मिसाइलें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और आपसे पूछा भी जा सकता है और मैं नाग के बारे में भी डिस्कस करूंगा, पर मीनवाइल हम आगे चलते हैं। देखिए मिसाइल्स कितनी टाइप की होती हैं, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मिसाइल्स बेसिकली 6 टाइप की होती हैं। अगर एक लेमैन भाषा और एक नॉन सिविलियन इंसान की बात करें, एक होती है ब्लास्टिक क्रूज मिसाइल। ब्लास्टिक मिसाइल का फर्क क्या होता है, ब्लास्टिक मिसाइल मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बीच में से जैसे ही मिसाइल यहाँ पर आएगी, ठीक है, यहाँ पर आते ही वो रेनड्रॉप फॉर्म में टूट जाती है और फिर रेनड्रॉप के फॉर्म में वो जमीन पर गिरती है। ये होता है ब्लास्टिक मिसाइल का काम। क्रूज मिसाइल क्या होती है, वो एक टारगेट सेट करते हैं कि भाई मुझे यहाँ मिसाइल छोड़ना है और उस क्रूज मिसाइल को ये बात बताते हैं बाय प्रोग्राम्स बाय बटन्स और वो मिसाइल वहां जाके हिट करती है। ये काम है क्रूज मिसाइल का। ब्लास्टिंग मिसाइल के दो सबसे बड़े एग्जांपल हैं पृथ्वी एंड अग्नि। आप AADB याद कर सकते हैं, वो मर्जी है, पर इन दोनों का याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये IGMDP के अंदर आता है। याद है आपको IGMDP? देखिए ये था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको शुरू करा था किसने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, सिर्फ इसलिए बनाने के लिए कि सेल्फ सफिशिएंट बन जाए हमारा देश मिसाइल टेक्नोलॉजी में। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम कभी मिसाइल खरीदते नहीं है, सिर्फ खुद से डेवलप करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ बाकी जो वेपन्स हैं लाइक एयरक्राफ्ट एंड बाकी डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन और रॉकेट लॉन्चर्स। इसके बाद अगली 4 टाइप हैं
वो डिपेंड करती हैं कि कहाँ से कैसे हम छोड़ रहे हैं। जैसे सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस का मतलब है कि आपने जमीन से छोड़ी और जमीन पे मार दी मिसाइल को, उसका काम है सरफेस टू सरफेस। सरफेस टू एयर है, आसमान से छोड़ी है और गलत बना दिया डायग्राम। सरफेस से एयर का मतलब है कि सरफेस से छोड़ी और आसमान पे जाके एयरक्राफ्ट पे मारी है, उसके कहते हैं सरफेस टू एयर। एयर टू सरफेस का मतलब है आसमान से छोड़ी और जमीन पे आके वो मिसाइल लगी है, वो है एयर टू सरफेस। और एयर टू एयर है, आसमान से शुरू करी है और दूसरे आसमान में ही जो दुश्मन है उसको मारी, मतलब एक फाइटर प्लेन है दूसरे फाइटर प्लेन को वो मार रहा है। अब देखिए इसके बाद कुछ सवाल जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इन सवालों का सिर्फ इतना रीजन होता है कि आपको नर्वस करना, आपको स्ट्रेस में डालना, जिसकी वजह से आप सीधे सीधे कंफ्यूज हो जाएं, डर जाएं, घबरा जाएं और आपका पर्सनल इंटरव्यू खराब हो जाए। तो इसमें अगला जो सवाल है कि नेम्स ऑफ एंटी टैंक मिसाइल बाय द इंडियन आर्मी, वो है नैग, हेलिना, स्पाइक, मिलन। याद रखें इंडियन आर्मी से कंफ्यूज कर सकता है, आपने सिर्फ नाग याद कर रखी होगी एंटी टैंक मिसाइल, तो क्या पता वो हवाई जहाज से छोड़ी जाती हो, क्या पता वो आर्मी छोड़ती हो। तो बस इंडियन आर्मी से याद रखिए, नैग, हेलिना, स्पाइक, मिलन, ये चार मिसाइलें हैं जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। फिर है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल भी है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये कि ये तीनों के द्वारा, मतलब इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के द्वारा यूज करी जा सकती है। प्लस ये जो इसका नाम पड़ा है वो दो नदियों पे पड़ा है। देखिए ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्रा और मॉस रशिया की नदी है मॉस्कोवा, तो उन दोनों नदी पे पड़ा है, उन दोनों के इनिशियल लेटर्स को लेके लिए बनाया गया है ब्रह्मोस मिसाइल। इसके आगे हम आ जाते हैं, एक नई जो करंट अफेयर में बात आई वो ये थी कि INS चक्रा 3 इंडियन नेवी में इंडक्ट कर ली गई है। देखिए इसको इंडक्ट किया है हमने बिना डरे काट्सा एक्ट के। काट्सा एक्ट क्या, एक सेंशन है जो कि US द्वारा लगाया जाता है अगर आप इन तीनों देश मतलब ईरान, रशिया, तुर्की से कोई चीज खरीदते हैं तो। बट हमें अपनी देश की सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो हमने इसको बिना डरे हमने इस चीज को लीज पे लेने का फैसला किया है। अब इसको लीज पे ले तो लेंगे हम 10 साल के लिए, 2025 में हमें मिलेगी। बट इससे पहले हमने चक्रा 1 चक्रा 2 भी ली थी और वो दोनों की दोनों अब रिटायर्ड होने जा रही है। इससे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट ये है कि हमारी इंडियन नेवी को 6 न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए और उनमें से जो 2 हैं वो तो रिटायर्ड होने की कगार पे हैं, तो हमारे पास जो एक ही न्यूक्लियर सबमरीन बची है। उसके बाद हमारे देश को 18 कन्वेंशनल न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए, उसमें से 14 हमारे पास हैं और 13 उसमें से बूढ़ी हो चुकी है, मतलब 13 में से बूढ़ी हो चुकी है, रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। और बात करें 4 ब्लास्टिक न्यूक्लियर मिसाइल चाहिए। ब्लास्टिक न्यूक्लियर मिसाइल की खास बात यह है कि यहाँ ऐसे अंदर होती है और पानी की सतह के अंदर से ही उसको छोड़ा जाता है, और इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लास्टिक मिसाइल है, उसका नाम है INS अरियल। चलिए आगे चलते हैं, वो है INS खंडेरी। देखिए 2017 में इसके बारे में बहुत न्यूज में आया था कि इसको अब इंडक्ट करने की तैयारी में है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। तो आज ये वो साल है कि ये इंडियन नेवी में इंडक्ट हो जाएगी 2019 के अंदर, और इसको बनाया है मेजोकॉन डॉक लिमिटेड ने। ये एक कन्वेंशनल सबमरीन है जो कि डीजल इलेक्ट्रिक पे चलती है और ये अटैकिंग पर्पज से बनाई गई है। अब देखिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है कि इंडियन नेवी ने अपना एक एयरबेस बनाया है अंडमान निकोबार में, देखिए यहाँ पर, उसका नाम है INS खोसा। अब इसको बनाने का रीजन क्या है, देखिए INS खोसा करीबन यहाँ पर है, यहाँ पर आपको मैप पे क्लियर दिख भी रहा होगा लोकेशन क्या है। इसे हम रीजन को कहते हैं नॉर्थ अंडमान, यहाँ पर है। और अगर हम थोड़े आगे वाले मैप में देखें तो आपको दिखेगा ये अंडमान है और ये म्यांमार है, तो ये यहाँ पर बहुत पास में है। अब देखिए यहाँ पर चाइना का एक पोर्ट है जिसको हम कहते हैं सितवे पोर्ट, और कहीं ना कहीं यहाँ से वो सर्वेलेंस करता है। तो हमें चाइना को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन चाहिए थी, जिसके लिए हमने अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में अपना एक पोर्ट बनाया, और यहाँ पर म्यांमार का एक कोको आइलैंड भी है, ठीक। इसके अलावा अगर आप देखें इंडियन ओशन रीजन को तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। रीजन बिहाइंड क्यों, क्योंकि यहाँ पर साउथ चाइना मतलब आशियान नेशन है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और इधर से मिडल ईस्ट, तो जो इंडियन ओशन है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर चाइना का सर्वेलेंस या मैं कहूँ पकड़ ज्यादा होगी तो कल वो इंडियन ओशन को डोमिनेट भी कर सकता है और वहां के मैरिटाइम रूट को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल भी कर सकता है। तो ये इसका एक पर्पस था कि वहां पर कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्ट करते रहना, दूसरा मिलिट्री पर्पस को वहां पर इस्तेमाल करना, और तीसरा सिविलियन के लिए
एज अ टूरिस्ट पर्पस के लिए भी इस पोर्ट को तैयार करना आईएनएस खोसा को। अब ये जो आईएनएस खोसा डेवलप किया गया है वो अंडर डेवलप किया जाएगा उड़ान स्कीम के। इसे भी आपको याद होना चाहिए कि टूरिस्ट को टूरिज्म के लिए डेवलप करने के रीजन से इसको भी बनाया जा रहा है अंडर उड़ान स्कीम। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास एक अपना पोर्ट यहाँ पर है जो कि अपनी लैंड अंडमान में है, दूसरा हमारे पास इंडोनेशिया में भी है, ठीक है, दूसरा हमारे पास मालदीव्स में है। देखिए मालदीव्स के बारे में मैं कहूंगा कि यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशन में प्रॉब्लम्स आई थी बिकॉज ऑफ वहां पर सत्ता पलटने की कोशिश की जा रही थी, वहां पर अपना ही डोमिनेंस था और जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ लीन हो रहे थे बहुत ज्यादा, बट अभी चेंजेस हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये पोर्ट भी है, अंडमान का पोर्ट भी है, इंडोनेशिया का भी एक पोर्ट है, तो आप देख सकते हैं हमारी एक रूट बन रही है। और अगर ये पूरी रूट तैयार हो जाती है तो हम कहीं ना कहीं चाइना को संदेश देंगे कि साउथ चाइना सी पे तुम्हारा कब्जा नहीं है। सोच के देखिए, अगर साउथ चाइना सी पे पूरा कब्जा हो जाता है तो पूरा रूट रोक सकता है फ्रॉम मिडल ईस्ट अफ्रीका टू पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका कब्जा या डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए और हमारे लिए आगे स्ट्रैटेजिक कोशिश यही रहेगी कि कहीं ना कहीं वियतनाम में भी हमारा एक बेस बन जाए, जो कि हमारा सिर्फ प्लान में है। अब देखिए आगे, जो मैं आपसे बात कर रहा था मालदीव्स के, यह मालदीव्स पे जो ये पोर्ट है इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में बात नहीं कर सकता, बट मैं कहूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखें, इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप, वहां पर ऐसा क्या हुआ कि जो अब्दुल्ला यमीन थे उनको हटाकर नए प्रेसिडेंट जो आए हैं उनके साथ एक नई पॉलिसी बनी है इंडिया फर्स्ट, और जिससे चाइना से दूरी बन गई है और कहीं ना कहीं मालदीव्स का ये जो पूरा एक लैंड है ये अब इंडिया के फेवर में, या एक कंट्री पूरी तरह से फेवर में। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स के रफाल जेट के बारे में जो कि 2019 में हमारे पास आ जाएगा। टोटल इनकी संख्या होगी 36 और ये मार्शल धनोआ ने हमें बताया है। इसके बारे में खास बात क्या है ये बात आपको पता होनी चाहिए कि दूसरे एयरक्राफ्ट से कैसे अंतर है। सबसे पहले इसमें फ्रेंच ट्विन इंजन है, जो कि आपने देखा होगा जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं यहाँ पर दो जेट इंजन लगे होते हैं ऐसे, जिससे मदद मिलती है कि मान लो अगर एक खराब हो जाए तो दूसरी की मदद से हम उड़ते रहेंगे, और ऐसे ही रफाल में यहाँ पर दो जेट इंजन लगे हुए हैं। अब आती है दूसरी बात पे, यहाँ पर बात है कैनार्ड। कैनार्ड क्या होता है? कैनार्ड ये जो छोटे छोटे विंग दिख रहे हैं ना आपको, इन्हें हम कैनार्ड कहते हैं। और दूसरा है डेल्टा विंग। डेल्टा विंग ये होते हैं जो ट्राइंगुलर शेप में हमें दिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेल्टा विंग। और तीसरी खास बात क्या है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट से तो मतलब समझ गए होंगे कि ये लड़ाई कर सकता है, पर मल्टी रोल इसके दूसरे पर्पस के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आर्म फोर्स अपने रिक्वायर उसमें बना सकती है। ये होता है रफाल के बारे में पूरी कहानी। अब मैं आपसे कहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स थे वो सब वो टॉपिक हैं जो आपकी आने वाली एसएसबी में जो कि अप्रैल मई में आ रही हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मैं आपसे कहूंगा हमें फॉलो करिए सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पे इंस्टाग्राम पेज पे, वहां पर आपको इसी तरह आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वीडियो की, प्लस मेरा एक फेसबुक पेज है वहां पर भी आप लाइक करें सो आपको वहां से भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद।